किन जनता का विचार है अब की बार सरकार चेंज करने का। अब चेंज करने के लिए किसको लाते हैं, समाजवादी पार्टी को लाते हैं या बीएसपी को लाते हैं, ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। सभी मैदान में हैं, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी हम क्लियर स्पष्ट नहीं कह सकते किसकी सरकार आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी सरकार जिस प्रकार से पिछली बार बिल्कुल स्पष्ट आई थी, अब की बार वो स्पष्ट शायद ना आ पाए। क्या कारण हो सकते हैं इसके? कारण ये है कि जनता को जिस प्रकार से पिछले सपने दिखाए थे कि वे आपको रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, चिकित्सा सुविधा देंगे, तो उस पर खरा नहीं उतर पाई है। तो इसी प्रकार से जैसे कि हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं थी 2014 में, हमने बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन हम भी उस वक्त अब हम बीएसपी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और वोट कर रहे हैं बीएसपी के। सर आपने कहा अगर बीजेपी की इस पर सरकार नहीं आएगी तो पाकिस्तान ने ऑफर दे तो दिया जयंत चौधरी को। हाँ देखो ये राजनीति है, चुनाव जो होंगे रातों रात अपने फायदे के लिए अपना दलबल बना देते हैं, अपना बहुमत समर्थन करके सरकार बना लेता है, तो इस बारे में राजनीति हम कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो जाए। लेकिन लोग आंकड़े लगा रहे हैं कि हरियाणा में देखा वैसे ना हो जाए, कहीं यूपी हो सकता है चौटाला बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े फिर बीजेपी में जाकर शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राजनीति हमारे यहाँ की जिस प्रकार से जो मैं समझ रहा हूँ हमारे यहाँ की राजनीति से धर्म आधारित है, जाति आधारित है, तो उससे ऊपर होना चाहिए इंसान को। धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हमको वोट करना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि हमारे लिए किसका शासन अच्छा रहेगा, कानून व्यवस्था किसकी अच्छी रहेगी, चिकित्सा सुविधा किसकी अच्छी रहेगी, हमको ये चीजें देखनी चाहिए। वकील साहब आप जाति की बात कर रहे हैं, लोग गोत्र देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे उसका प्रत्याशी का गोत्र ही है, मैं अपने गोत्र को वोट दूं। आप जो ये बात बोल रहे हो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमको जातिवाद नहीं देखना चाहिए, हमको अच्छा प्रत्याशी देखना चाहिए, फिर कौन हमारी अच्छी सरकार बनाएगा, कानून व्यवस्था कौन अच्छी देगा, तो हमको सबसे पहले यही देखना चाहिए। लेकिन देश तो जाति आधारित है, अब यही तो बहुत बड़ी विडंबना है। हमारा देश आज़ाद हो चुका है लेकिन आज भी जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, तो उसको कौन सुधारे। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी सरकार की ज़रूरत है जो कानून व्यवस्था अच्छी रख सके, जाति व्यवस्था पर काम करे और एक तरह से इसको डेमोलिश करने का काम करे। जाति व्यवस्था की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, जिसका एक बहुत बड़ा वर्चस्व है यूपी में, 4-4 बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन उसको इस टाइम नकारा जा रहा है कि वो रेस में नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पिछले चुनावों का अगर देखा जाए तो वोट परसेंट वो बढ़ती चली गई है। देखो बीएसपी का जो वोट है वोटर वो साइलेंट है और बिल्कुल सुरक्षित है, यानी कि जो बीएसपी का पहले से वोट था वो अब भी वोट है, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो बीएसपी का क्या है कि पिछले के अपेक्षा अब की बार ज़्यादा सीट आएंगी बीएसपी की और बिल्कुल चुनाव में है, लेकिन मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। बीएसपी की लड़ाई क्या मानते हैं, मीडिया दिखाता नहीं बीएसपी को? भाई एक थोड़ा सा मीडिया का भी यही है, जिसकी देखो सरकार होती है उसके अंडर में तो ज़्यादातर आ जाते हैं, तो उसके दबाव में आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं दबाव में, तो इसीलिए वो बीएसपी का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। मीडिया का और बीएसपी का पहले से रहा, मान्यवर साहब भी बड़े खिलाफ रहते थे मीडिया के जी, आशुतोष को आपने थप्पड़ भी मारा था मान्यवर साहब ने मीडिया को लेकर। अब यही तो बात है, मीडिया बीएसपी को बिल्कुल भी चुनाव प्रसार में या चुनाव की दौड़ में कहीं नहीं दिखा रही है, सिर्फ वो बीजेपी को दिखा रहे हैं। तो ये कि मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो सभी को निष्पक्ष होकर के बिल्कुल न्यूज़ देनी चाहिए, और बीएसपी का वोटर साइलेंट है और सुरक्षित है अपनी जगह पर, वो कहीं नहीं जाने वाला। सर आप दलित समाज से आते हैं, दलितों के हित के लिए कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर रहेगी, सपा या बीजेपी? देखो दलितों के हित की बात आती है तो मैं तो बिल्कुल बीएसपी का नाम लूंगा। बीएसपी को छोड़ दिया जाए, बीएसपी को अगर जो छोड़ दिया जाए तो फिर मेरे हिसाब से शायद सपा काम कर दे दलितों के लिए अच्छा, क्योंकि सपा में अखिलेश यादव जी हैं, वो ओबीसी हैं, तो हो सकता है वो भी दर्द समझें दलितों पे क्या अत्याचार हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो उनके लिए थोड़ा सुरक्षित हो जाए। पिछली सरकार इतिहास है, उन्होंने बदले की भावना से चलाई थी, बाबा साहब के पार्कों में एक लाइट नहीं जलने दी, सबसे ज्यादा दलितों का डिमोशन किया, जितने जिलों के नाम मायावती ने जो महापुरुषों के नाम पर के सबके नाम बदल दिए, आप कह रहे हैं वो बेहतर होंगे हमारे लिए? बिल्कुल बदले थे, लेकिन उसके बाद में जब पिछला चुनाव हुआ था तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको जीत नहीं मिल पाई, वो अलग बात है। लेकिन अब की बार जहाँ तक मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी में तो कुछ दलित भी गए हैं नेता, हमारे बीएसपी के निकल के गए हैं। अब पता चलेगी विचारधारा क्या है, ये कुछ समय बाद ही पता चलेगी, हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बना दिया और हमारा देश संविधान से चल रहा है, लोकतंत्र है, तो जय भीम बोलने में परेशानी क्या है? उस विचारधारा में मिल पाएंगे, उनकी विचारधारा दूसरी है, वो समाजवाद की बात करते हैं,
आप बहुजनों की बात, लेकिन हाँ मेरा मानना ये जरूर है जितने भी हमारे महापुरुष हैं हमको सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जय भीम, जय गुरु रविदास जी हो या भगवान बौद्ध हो गए या फिर कोई भी ए टू जेड। सर ये जो नेता जाते हैं बीएसपी से, क्या वोट बैंक भी साथ लेके जाते हैं या अकेला नेता ही जाता है? बीएसपी का जो भी लीडर आज की डेट में समाजवादी पार्टी में जा रहा है मेरे हिसाब से कोई खास अपने वोट नहीं ले जा रहा है, ये समझ लो वो बंदा अकेला जा रहा है बस। मान्यवर साहब कहते हैं जो बीएसपी से निकलता हो कहीं फिट नहीं होता जाएगा, फिट नहीं क्या बाद में चल करके घूम फिर के आना, उनको बीएसपी में ही बात क्लियर है क्योंकि बीएसपी में ही सुरक्षित है बाकी और कहीं नहीं है। स्वामी प्रसाद जी भी आ गए हम सपा में, पहले बीजेपी में, बीएसपी से बीजेपी में, बीजेपी से सपा में आ गए। अब ये राजनेता है, नेताओं का राज देना, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, कुछ समाज के लिए काम करते हैं अपने, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कह सकते हैं इन बारे में। ये राम मंदिर का मुद्दा कितना कैश कराएगी बीजेपी इस बार? राम मंदिर मुद्दा बहुत दिनों से ये पेंडिंग था, हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड कर दिया है तो मैं इस बात का बहुत स्वागत करता हूँ। कम से कम अब ये जो झगड़ा चल रहा था राम मंदिर का, मस्जिद का, कम से कम खत्म तो हुआ। अब इस नाम पर कम से कम कोई भी पार्टी वोट तो नहीं मांगेगी, बीजेपी तो मांग रही है, मांग रहे भाई वो इस बात के लिए बोल रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया, ठीक है बीजेपी का बनवा रहे हैं। मैं बीजेपी का बिल्कुल इसमें सहयोग मानता हूँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी सरकार का सहयोग रहा है, लेकिन असली काम आधारशिला तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही रखा है उसको डिसाइड कर करके यहाँ पे राम मंदिर बनना है। मंदिर की जरूरत है या कॉलेज स्कूल की जरूरत है? देखो मेरा मानना ये है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर मंदिर की भी आवश्यकता है, यहाँ पर मस्जिद की भी, गुरुद्वारे की भी, सभी की, क्योंकि हम सिर्फ नास्तिक नहीं हो सकते। एक तरफ तो हम बाबा साहब को मान रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, संविधान आईपीसी सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो महापुरुष आध्यात्मिक महापुरुष कौन से, सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान बौद्ध, हम उनको भी तो फॉलो कर रहे हैं, तो उनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको मंदिर भी चाहिए, गुरु रविदास जी मंदिर चाहिए, और हमको गुरुद्वारा भी चाहिए सदगुरु रविदास जी महाराज का, भगवान बौद्ध के मंदिर भी चाहिए। किसी स्टेट का काम है कि धार्मिक काम, मतलब धार्मिक स्थल बनाने का, धार्मिक स्तर बनाने का यही है कि सरकार जो होती है धर्म निरपेक्ष होती है, पहले बात तो ये, लेकिन उनको थोड़ा जनता का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि चाहते क्या है। एक तरफ शिक्षा भी चाह रहे हैं और दूसरी तरफ अपना आध्यात्मिक रास्ता भी चाह रहे हैं, ताकि उनको मन की शांति मिल सके। तो गलत क्या कह रहे हैं हम? अब बीजेपी काम अलग है, हमारा तो बीएसपी काम है भाई, हम तो बीएसपी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमारे क्या बीएसपी में सपोर्ट हमको क्या चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विचारधारों पर चल रहा, सदगुरु रविदास जी महाराज और भगवान बौद्ध रखना पड़ेगा, तो बीजेपी हम तो भावनाओं का ध्यान रख रहे हैं, कोर्ट ने यही तो कहा था। अब वही तो बात है, देखो हमारे देश में कितने सारे मंदिर हैं, कितनी सारी मस्जिद है, हर कोई स्वतंत्र है, हिंदू अपने जाकर के मंदिरों में पूजा कर रहा है, मुस्लिम अपने मस्जिदों में कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है चीज़, हमें कोई दिक्कत नहीं चीज़। सर उसके लिए धार्मिक लोग है ना, वो बनाएंगे मंदिर मस्जिद जो भी है, स्टेट थोड़ा ही, सरकार थोड़ा ही बनाएगी। नहीं नहीं, स्टेट का जो मेन रूप से काम है, स्टेट का मेन रूप से जनता का क्या करना है, एक तो शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दें, रोजगार पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और जो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ों के लिए हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 में धार्मिक रूप से स्वतंत्रता दी गई है, हर एक बंदा स्वतंत्र है, आप चाहे किसी भी धर्म के अनुसार अपना आचरण कर सकते हैं।